नमस्कार, वॉइस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। मैं दिनेश सिंह तरकर। आज हमारे साथ हरियाणा के मशहूर सिंगर विकास कुमार शर्मा जी हैं। विकास कुमार शर्मा जी, आपका वॉइस फाउंडेशन न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद। वॉइस ऑफ नेशन के सभी दर्शकों का और इस चैनल की सभी टीम को मेरा बहुत बहुत नमस्कार और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। विकास कुमार शर्मा जी, आपने गाना सुना होगा हट जा ताऊ पाछे में, सन 2006 में एक ये गाना इन्होंने गाया था। बहुत हरियाणा के मशहूर सिंगर हैं, जिसने इंडिया ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों तक अपने गाने की धूम मचाई थी। आज भी लोग इस गाने की काफी मुरीद हैं। विकास भाई, आपने सिंगर बनने का सपना आपको मतलब कैसे आप आए? देखिए, बचपन से ही मेरे को गाने का बड़ा शौक था और स्कूल टाइम में, कॉलेज टाइम में मैं सिंगिंग करता था, तो उसी को मोटिवेशन करके जो लोगों ने बड़ा प्यार दिया और ये मैंने एल्बम बनाई, तो उसको भी सारे देश ने, बल्कि देश से बाहर भी बहुत लोगों ने मेरे को प्यार दिया और अपना शुरुआत दिया। जी विकास भाई, हट जा ताऊ पाछे में मतलब ये एक ऐसा गाना था कि उस समय इस सॉन्ग ने सभी जगह अपनी धूम मचा दी। एक ऐसा ख्याल, एक ऐसा गाना, एक क्या मतलब पूरा? क्योंकि देखिए, जो इस गाने के अंदर जो भी संगीत है, जो भी गीत है, वो सब अपने संस्कृति से, अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है। क्योंकि हम सब क्या है ना, अपने जीवन में एक, जैसे जो हमारे घर में बुजुर्ग होता है ताऊ, उसको हम बड़ा महत्व देते हैं। तो जैसे हर जगह पे, हर शादी में ये सिचुएशन आदमी के जीवन में घटी हुई होती है, ये घटना घटी हुई होती है, तो उसी को हमने जो ना गाने में पिरोया और बड़ा ही उसका जो ना रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, पूरे देश ने उसको बड़ा प्यार किया। जी विकास भाई, आपने कुछ मूवीज वगैरह या कुछ और भी एल्बम्स बनाई हैं, तो क्या क्या विशेष एल्बम्स रहे? बहुत सारी एल्बम यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, विकास कुमार सिंगर के पेज पे देख सकते हैं आप, अनेक ऐसे साइटें हैं उन पे देख सकते हैं। और बहुत सारी जो बॉलीवुड में भी फिल्में मैंने की, जिसमें रणदीप हुड्डा के साथ अभी मेरी फिल्म आई थी लाल रंग, सतीश कौशिक के साथ, अनुपम खेर, बहुत सारे लोगों के साथ फिल्म आ चुकी है, तो आप यूट्यूब पे वो सारी देखें और ऐसे ही प्यार करते रहें। जैसा कि देखा जा रहा है कि आपका लाखों की संख्या में, ऐसा नहीं कि सिर्फ हरियाणा या आसपास के राज्यों में समर्थकों में, हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, आपके ऑल ओवर इंडिया में हर राज्य में समर्थक हैं और आपके चाहने वाले हैं, आपके फैंस फॉलोइंग हैं, क्या आप अपने फैंस को एक संदेश देंगे? मैं बिल्कुल यही कहना चाहूंगा कि आज पूरे देश में जितने भी मेरे, मैं फ्रेंड्स नहीं कहूंगा उनको, मैं उनको सब मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे सब परिवार के वो सदस्य हैं जो मुझे अपने परिवार की तरह इतना प्यार करते हैं और ऐसे ही वो प्यार करते रहे। मैं उनसे बस यही कामना करूंगा, यही गुजारिश करूंगा कि जैसा आपने प्यार पहले दिया है, देते आ रहे हैं, आप भविष्य में भी ऐसा ही प्यार मुझे देते रहे और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। आगामी समय में आप राजनीति में आएंगे या आगे चल के क्या मोहर रहेंगे? बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि देखो, राजनीति, इसको आप राजनीति कह लो या इसको मेरा कर्म कह लो या मेरे भाव कह लो, मैं इस धरती से जुड़ा हुआ हूँ, इस ब्रिज की धरती से मेरे को बड़ा लगाव है। और जैसे मैंने बताया कि जिस तरीके से यहाँ का माहौल होना चाहिए था, जिस तरीके से यहाँ का विकास होना चाहिए था, ये विकास की दृष्टि में आज उसका 1% भी नहीं है। तो मैं भविष्य में अगर मेरे को मौका मिला, इस जनता ने मेरे को प्यार दिया, आशीर्वाद दिया, और मैं राजनीति में आने के लिए भी मैं पीछे नहीं हटूंगा, और मुझे जिस तरीके से होगा मैं इनकी सेवा करूंगा और इनकी सेवा के लिए हमेशा इनके बीच में रहूंगा। हमारे साथ थे विकास कुमार शर्मा, हटिया ताऊ पाछे ने बहुत ही एक अद्भुत इन्होंने गाना गाया था, देश ही नहीं विदेशों तक इन्होंने धूम मचाई थी, किसानों की समस्याओं को इन्होंने बहुत ही बारीकी तरीके से समझा है। एक ये सिंगर होने के साथ साथ एक ये युवा नेता भी है, इनकी लाखों की संख्या में फैंस फॉलोइंग है, लोग चाहते हैं इन्हें देख, और देखने वाली बात यह होगी कि आगामी समय में लोकसभा क्षेत्र में क्या क्या बदलाव होंगे मथुरा के लिए। इन्होंने बहुत ही गंभीर विषय बताया है कि मथुरा में जो भी राजनेताओं ने अपनी राजनीति की है, वो वोट बैंक के लिए की है, अपने स्वार्थ के लिए की है। कैमरामैन राहुल राजपूत के साथ दिनेश सिंह तरकर।